मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये है सूजी, चीनी, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये है नारियल का चूड़ा। यहाँ डालूंगी सूजी, मैं यहाँ घी ऐड नहीं करूंगी भूनते समय, अधिकतर लोग घी डाल के भूनते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही भूनूंगी विदाउट घी के। तो सबसे पहले हमें यहाँ सूजी भूनना है और उसको ब्राउन करना है। जब ये व्हाइट से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें हम कुछ मिक्स करेंगे। अब ये भून चुका है, ब्राउन हो गया है, आपको कलर चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि पैन बहुत गर्म हो गया है इसलिए हमने इसको नीचे उतार लिया, अगर चूल्हे पे रखते तो ये जल जाता है। तो ये सूजी पूरी तरह से भून गया है, अब इसको चूल्हे पे पानी ऐड करने के बाद ही चढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐड करके थोड़ा सा हम इसको चूल्हे पे लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, ताकि ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा सोना सोना सा लगने लगे, वरना कच्चे ड्राई फ्रूट्स की स्वाद आएगी इसमें। तो हम इसको हल्का सा चूल्हे पे चढ़ाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स का जो कच्चापन है वो थोड़ा कम हो जाए। नारियल, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, चीनी बिल्कुल हम लास्ट में डालेंगे, बहुत लोग उसी समय डाल देते हैं, बट ध्यान रहे कि पानी डालने के बाद ही चीनी डालें, वरना इसमें गांठ पड़ जाएगा। डाल दूंगी पानी, आपको जितना चाहिए, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी अनुसार पानी डालिए। तो मैं ये पानी डाल चुकी हूँ, सूजी थोड़ा पानी सोखता है इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा डाली। अब मैं इसमें, अगर पैन ज्यादा गर्म हो गया है तो आप इसे नीचे उतार लें, फिर सारी चीजों को ऐड करें। चीनी अब ऐड करेंगे हम और इसको चला लेंगे। आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने घी नहीं डाला, तो अब हम घी भी ऐड करेंगे इसमें, घी 1 से 2 चम्मच। आजकल बहुत हलवा में घी डालते हैं लोग, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें घी कम डाला है, क्योंकि गर्मी में वैसे भी घी और ऑयल थोड़ा कम खाना चाहिए। तो ये हमने अपना घी इसमें डाल के कढ़ाई को फिर से ऊपर चढ़ा देंगे और बराबर चलाएंगे। सूजी भी हम भूनते समय बराबर चलाते रहेंगे, अगर हम छोड़ेंगे तो बराबर से भूनेगा नहीं और सूजी जल भी जाएगा, तो ये आप ध्यान रखें। और ऐसे पानी डालने के बाद भी ऐसे बराबर बराबर इसे चलाते रहना है, और थोड़ा आप अपने हाथ को भी बचाएंगे, क्योंकि ये जब पानी सूखता है ना तो ये उड़ने लगता है, और जब पानी सूख जाए तो आपका हलवा बनके रेडी है। तो हमारे बनने के बाद दिखाते हैं। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे हम, जो शायद अभी तक तो किसी ने नहीं किया होगा, और मैं इसको, मुझे कुछ नया ट्राई करने की आदत है तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये आप समझ ही गए होंगे, ये सिनेमन पाउडर है, बहुत ही कम डाला है मैंने। इलायची भी डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ सिनेमन पाउडर डाला है। आप बनाकर और टेस्ट करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब ये पानी सूखने के बाद मैं इसको उतार दूंगा। देखिए हलवा गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे और उसके बाद हलवा रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो ये हलवा हमारा रेडी है और ये मैं सर्व कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना होगा ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है।